ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणत अतोल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां वडियाइयां दे मालक गुरु हर कृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण शो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां, जुगो जुग अटल शतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। दस तो पहला आप जी ने गुरु के हजूरी कीर्तनिया पासों बड़े प्यार विच जो साड़ी संगति गुरु घर की निजमत मर्यादा है कि हर गुरु घर दे विच आसा की वार दा कीर्तन होवे, आप जी ने सरवण कीता है। ये बेनती मैं तां कीती है, कलोनी च गुरुद्वारा होवे ये हो सकता है कि संगत नालों भी पहला किसी चौधरी की रिक्वायरमेंट हो कि मैं प्रधान बना, पर गुरुद्वारे की जिहड़ी मर्यादा है वो ये है कि हर गुरुद्वारे दे विच आसा की वार दा कीर्तन ये साडा संगति विधि विधान है और अज तो नहीं है, रोज हर गुरुद्वारे विच पढ़िया जाना चाहिए कि छोड़ी ले पखंडा नाम लै जाहे तरंदा। आसा की वार साडे परम वाले शौड़ सारे कट दिंदी है, पर हुण हो की रहा है, गाए जांदे ने शब्द पढ़ी जांदी है आसा दी वार। जदों आसा की वार दी गल आउंदी है ते फटाफट श्लोक जेड़े ने पढ़ दिते जांदे ने, पर बड़े मान नाल कहा जांदा है कि मैं आसा की वार दे विच इन्ने शब्द होर गाए ने कि आसा की वार शब्द नहीं,
इतनी इवें है जिमें कल असी सुखमनी साहब के कही जी मैं इन्ने शब्द होर पढ़ दते नितनेम के मैं इन्ने दोहरे होर पढ़ दते इस बाणी दे ही पौड़ियां ते शलोकां नू गाया जाना चाहिए और इन्ने वजद विच गाया जाना चाहिए कि संगत दे विच एक एक प्राणी नू एक एक तुक जिहड़ी है वह जबानी चेते हो जानी चाहिए है। जदों साड़ी अपनी आवाज़ साड़े कन्नां विच आएगी कि अन्न ना खाया साध गवाया अन्न ना खाया साध गवाया बहुत दुख पाया फिर समझ आएगी ना भी व्रत नहीं रखने। जदों बार बार आवाज आएगी छोड़ी ले पखंडा फिर ही समझ आएगी ना भी पखंड नहीं करने। हुण पग ओपे ताना अपना किया कमाना फिर ही समझ आएगी भी नंगी पैरी फिरन दा की फायदा है। आसा की वार पढ़ी जाने नंगे पैरी तुरे फिरदे आ समय की अपनी सीमा है ये साड़ी संगति गुरु घर की मर्यादा का यह मुख कर्म है कि हर गुरु घर के आसा की वार का कीर्तन होना चाहिए। दूसरा है गुरबाणी की कथा। सो आओ जितना समा सतगुरु जी ने बख्शे है सतगुरु ने मेहर कीती है दिल्ली दे सारे ही इतिहासक गुरुद्वारियां दे विच लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहब पिता महाराज जी दी बाणी दी इस कथा दा प्रवाह चलदा है। इस दरबार दे अंदर रामकली की वार दी कथा प्रारंभ है। वार दे उचारण करता जिहड़े ने वह गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने और अज जिहड़ा पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई साहब जी पासों सरवण किया है इहदे विच दो श्लोक ने ये गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण किए हुए हैं। एक श्लोक जिहड़ा है वो भगत कबीर जी का उचारण किया होया है। धर्म का जिहड़ा मूल भाव है वह सानू सतगुरु जी बार बार समझाते हैं। देखो अजे तक पहली गल जिहड़ी गल सानू समझण की लोड़ है कि धर्म किसी वहम भरम नहीं कहते किसी पखंड किसी कर्म कांड का ना धर्म नहीं है। बड़ा स्पष्ट सतगुरु जी दे घर दा ये उपदेश है धर्म वे ऑफ लाइफ है ये तुहाडी जिंदगी जीवन दा एक ओ रस्ता है जिहड़ा सुखी भी है सफल भी है। ये ओ रस्ता है जिन्हें तुहानू तुहाडे डेस्टिनेशन ते लैके तुहाडे जीवन का जिहड़ा प्रयोजन है उस मंजिल उस मुकाम ते लैके जाना है। हुण धर्म कवे झूठ नहीं बोलना चाहिए असी कहने भी शायद पर मैं आप जी नूं बेनती करा जिहड़े वैस्टर्न मुल्क ने साडे धर्म नालों भी उन्हां मुल्कां दे विच झूठ दा वड्डा पाप है। किसी ने झूठ बोलिया नहीं और उहदी जिंद उहदी जान कड़िकी विच फसी नहीं। साढ़े कोल ते बड़े कलू ने बड़े रस्ते ने सगो धर्म दे नां ते वधिया झूठ चलदा है। अज जिहड़ी मेरी कौम दी हालत है मैं एक गल कथा तो पहला जिक्र करना चाहना
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ITO। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਟੀਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਅਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਹ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਤੇ ਆ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਜਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੰਦੂਰ ਤਪਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ।
अज दिन उन्हां दे मनाए जा रहे ने जिन्हां ने सिर्फ कौम वास्ते सब कुछ कीता है। अगर मैं एक छोटी जी उदाहरण दे दिया शायद तुसी मेरे नाल सहमत हो जाओगे। एक मशकीन साहब जिन्होंने जिंदगी च पंथ की कथा की है, पंथ ने उन्हां दा भोग पाया है। ये तो मैं सच्चे पातशाह दे दरबार विच कहना कि जिस मनुख ने पंथ परस्ती नू अपने जीवन विच नहीं मन्या ते नहीं माणिया उहदा पंथ ने भोग नहीं पाया। उहदे भोग ते लखां लोक कठे होए, करोड़ां लोक कठे होए होणगे, पर पंथ ने उहदा भोग नहीं पाया। किहड़ी दुनिया की सिंह सभा जिहदे विच ज्ञानी संत सिंह मशकीन का भोग ना पाया गया होवे, उन्हां दे निमित संगती अरदास का समागम ना होया होवे। मैं एक छोटी जी बड़ी बहुती पुरानी नहीं है, बड़ी एक नवी जी ताजी जी उदाहरण आप जी नाल सांझी कीती है। यह सारी 10-12 सालां दी पुरानी गल है, उस तो बाद भी कदे नहीं होया, उस तो पहला भी कदे नहीं होया। क्योंकि मेरे सतगुरु ने एक मर्यादा बन दिती है कि जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। तुसी गुरु की पूजा करनी है, गुरु ने तुहाडी करवानी है भाई। पर जिहड़े असी केवल निज तक सीमित हाँ, मैं ऐसे ऐसे सो कॉल्ड महापुरख वेखे ने जिन्हां नूं कदे बंगला साहब मत्था टेकदिया नहीं वेख्या मैं। पर अज भी तुसीं जाओ सीसगंज साहब, तुहानूं कमरा मिलेगा जिथे मशकीन साहब रहिंदे सी, उह रहिंदी गुरुद्वारे सी। अमरीका कनेडा भी जाओगे तुहानूं इक्को ही पता लगेगा भी इस कमरे च उह रहिंदे सी। उह सारा दिन धर्म प्रचार करके आके फिर गुरु की गोद विच ही सौंदे सी। ये जिहड़ी कथा आपां सुन रहे हैं, दो दिन पहला एक श्लोक आया सी, कबीर मेहंदी करके घालिया, आप पिसाए पिसाए तैं शै बात ना पुछिया, कबहू ना लाई पाए। देखो भगत कबीर भी एक संत है, वो इस अवस्था नू प्राप्त है कि उन्हां दी बाणी नू गुरु दा पद गुरु दा दर्जा प्राप्त है। वो की कहंदे ने, कहंदे हे परमात्मा मैं भैणां नूं वेखिया, बीबियां नूं वेखिया, इस्त्रियां नूं वेखिया, कि वह किवें अपने पति नूं रजाउण दा जतन कर दियां ने। मैं भी एक कोशिश कीती, अपने आप नूं मेहंदी बनाया, फिर उस नूं बरीक बरीक करके पीसिया, मेहंदी बन के उसनू पिसाया अपने आप नू, पर तैशा बात ना पूछिया, पति परमात्मा तू किहो जे है। मैं मेहंदी बन गई, मैं अपने आप नू पसा भी लिया ते तू मेरी बात भी नहीं पूछी, कबहू ना लाई पाए। तू मैनू मेहंदी समझ के ही अपने चरणा ना ला लैंदा, पर तू ते मेरे ते इना भी परोपकार नहीं किया, तू तो मेरे वाल वेखना भी मुनासिब नहीं समझिया। यह भगत कबीर जी की अपनी एक अवस्था सी, परमात्मा के प्यार दे विच उन्हां दा एक अपना तरीका सी।
फिर गुरु अमरदास पिता महाराज उदी दुरुस्ती कर देने कि नहीं कबीर जी नानक मेहंदी करके रखिया सोशा नदर करे। नहीं कबीर जी तुहानू अपने आप नू मेहंदी बनाउण दी लोड़ नहीं, तुहानू शायद ये नहीं पता मेहंदी भी वह आप बनाउंदा है, आपे पीसै आपे कसै आपे ही लाए लाए। वो मेहंदी बनाउण वाला भी आप है, वह पीसन पसाउण वाला कसाउण वाला भी आप है, वह अपने चरणा नाल लाउण वाला भी आप है। अजे भी कबीर जी तुहाडे विच इस विचार की दुरुस्ती की जरूरत है। तुसी मेहंदी खुद नहीं बनना, मेहंदी भी उन्हें ही बनाउणा है। तो जदों ये कथा हो रही सी दास ताबिया बैठा सीगा, असी कहने कि गुरु घर विच सब तो वड्डी साडे कोल अरदास है। असी अरदास नूं अपना डिमांड पत्र बना लिया, अपनी एक लोड़ां दी एप्लीकेशन बना लिया, कईआं ने ते डिमांड नोटिस बना लिया कि महाराज दे अगे रख दिओ, नाल कह दिओ वी इन्ने क दिन वेट करांगे तेरी, नहीं ते फिर कुछ होर रस्ता लभांगे। असी सतगुरु पिता महाराज ने समझाया कि नहीं भाई अरदास का मतलब ही यह है, हाथ कदों जुड़ते हैं, सिर कदों झुकता है, इस मुंह तो शब्द बेनती दे कदों निकलते हैं। कि मैं हर आदमी अगे हाथ जोड़ांगा, कि मैं हर आदमी अगे अपना सिर झुकावांगा, कि मैं हर आदमी दे अगे जाके बेनतियां दे तरलियां दे मैं शब्द बोलांगा। क्यों बोलांगा जी? जो मैनू लगेगा मेरे हत्थां दी शक्ति इत्थे कमजोर है, जो मैनू लगेगा कि मेरा अपने तरीके नाल सिर उच्चा रख सकन दी ये शक्ति मेरी कमजोर है, जो मैनू लगेगा कि मेरे मुंह दे शब्द इत्थे कमजोर ने, इत्थे मनुख हर बंदे दे अगे जाके कहिंदा मैं गया सी उत्थे, मैं उहदा बोलना बंद करा के आया, मैं उन्हों अपने हाथ विखा के आया, मैं उहदे सामने अपना सिर उच्चा करके आया। ये दो तीन गल्लां ने जिथे आदमी सारी जिंदगी इसे दे अपनी श्वासा रूपी पूंजी खर्च दिंदा है। अज भी जदों आपां गुरु की गोद विच बैठे हाँ सतगुरु सानू एक नुकता फिर समझाउंदे ने, कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई। जिहड़ी रब की कसौटी है जिथे रब साड़ी परख करदा है, वो जिहड़ा पैरामीटर रब ने बनाया है, जिथे साड़े शुद्ध अशुद्ध की साड़ी गुणवंता जिहड़ी है उहदी परख होनी है, जिथे सानू चंगे ते माड़े रूप दे विच मिणिया ते तोलिया जाना है, कहिंदे उत्थे झूठा आदमी टिक नहीं सकदा। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। रब दी इस कसवटी ते सिर्फ ओ बंदा पूरा उतर सकदा है जिसने दुनिया वाले पास्यों अपने आप नूं मार के धर्म वाले पासे अपने आप नूं जिउंदा कीता है।
दुनियावी अकल, दुनियावी चतराई, दुनियावी सियाणपा, दुनियावी अपनियां पहुंच अपरोचा, दुनियावी जड़ियां तिकड़म बाजियां जदों उसने सारियां छड़ दित्तियां और इको गल कह दित्ती कि राख प्रभु भावें मार, मेरा कोई दावा नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई समर्था नहीं है, मेरा कोई जोर नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं है। इनू कहते हैं टोटली जाके जो असी सिलेंडर करांगे, समर्पण कर देंगे, गलत सिर्फ इनी है। अगे फिर एदी दुरुस्ती मुड़ गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने, सतगुरु जी ने फिर भगत जी दे इस श्लोक की अगो फिर दुरुस्ती कीती है। वह विचारधारा भगत कबीर जी की है, क्योंकि वह अपने तरीके नाल परमार्थ के रस्ते ते तुरे। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने क्यों कर ए मन मारी है, क्यों कर मृतक होए। नहीं कबीर जी, तुसी कहने हो राम दी कसवटी ते ओ पूरा उतर सकदा जेड़ा अपने आप नू मार लैंदा है, पर भगत जी तुहानू पता है अपने आप नू मारना कोई सौखा है? अपने आप नू मार के फिर धर्म वाले पासे अपने आप नू जिउंदिया करना ये कोई सौखा है? कई बार असीं कहने हैं किसी आदमी के बारे, कहिंदे जी इहदा तां जीवन ही बदल गया। जीवन कदों बदलेगा? जदों अखां दी दृष्टि बदलेगी, हत्थां दे काम बदलणगे, पैरां दे रस्ते बदलणगे, जबान दे शब्द बदलणगे, कन्नां दे स्रोत बदलणगे, जदों दिमाग दी सोच बदलेगी। ताई कहंदे ना जदों तुसी इस टकसाल विच आउंदे हो, इस धर्म दे घर विच आउंदे हो, संगत दे विच आउंदे हो, ते इत्थे सुरत मत मन बुद्ध इसनू घड़िया जांदा है। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरा सिद्धा की सुध। सतगुरु जी इस शब्द विच समझाउंदे ने कि क्यों कर मृतक होए, कि अपने आप नू मुर्दा बनाउणा सौखा है? मुर्दा होए मुरीद ना गली होवणा। कदे गल्लां तो बंदा मुर्दा हो सकदा है? बड़ी दुनिया गल्लां करदी जी, मैनू समझ लो जी, मैं ते मर ही गया जी, ये गल्लां सारियां कहण मात्र ने। सतगुरु ने बाणी विच दस्या कि जो मृतक कौ चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे। होवे मृतक तुसी ओदे ते चंदन चढ़ा दे हो, दसो मृतक नू ओदा कोई असर है? जो मृतक कहो बिष्टा माहिर उलाई, तो मृतक का क्या कट जा। पर इत्थे एक एक दो दो शब्द जेड़े ने अज तुसी वेख लो की हालात बन गई, कित्थे पहुंच गए आप। और दो चार पांच व्यक्ति भी ऐसे नहीं जेड़े इस पीड़ा नू महसूस करदे होण कि पंथ की दशा की है, कौम कित्थे खड़ी है। हर बंदे ने अपने स्वार्थ का आटा चुकिया होया है, तंदूर तपे हुए ने, सब अपनियां अपनियां दो दो रोटियां पकाई जांदे ने। देखो मैं पिंड विच रहा, मैनू खुद भी तजर्बा है, मां ही कहिंदी हुंदी सी वी पुत मैं आटा गुन लिया है,
साढ़े कपाह हुंदी सी नरमा ते छिटियां हुंदियां सी ते मां ने कहना पुत्र तू तंदूरी तपा दे तंदूर तप जाना जदों बिल्कुल सुरख लाल होना कहना बीबी तंदूर तप गया है। मां ने रोटियां पकाउन लगना तो इन्हें किसी ना किसी आंढ़ी गुआंढ़ी ने भी दो पेड़ियां दा आटा लैके आ जाना पैंदियां दो रोटियां मवी लालवां विचों अपनियां अज हर बंदा अपना अपना दो दो पेड़ियां दा आटा चुकी फिरदा है। सवाल यह है कि कौम की तकदीर की होएगी कौम के हालात की बने ने गल्लां कहन मात्र जिन्नियां मर्जी आपां कर लईए भगत कबीर कहंदे ने जो मर जाएगा वो राम की कसवटी ते पूरा उतर सकदा है। गुरु अमरदास महाराज कहन लगे नहीं कबीर जी क्यों कर ये मन मारी है ये मन मरन वाला नहीं क्यों कर मृतक होए तुहानू पता है मन किवें मरदा है। कहया शब्द ना मानई तुहानू पता है कहया कोई किसी की बाणी मनदा है। हर गुरुद्वारे विच सवेरे लाउडस्पीकर लग जांदे ने संगत आवे ना आवे मेरे वर्गे जिन्हां ने अपनी रोटी रोजी दे तौर ते सेवा नूं अपना लिया वो कल्ले बेचारे सवेरे उठ के बोलना शुरू कर देंदे ने गुरबाणी पढ़ते ने मीलां बद्धी आवाज दूर तक गूंजती रहती है कोई विरले भागां वाले होंदे ने जिहड़े कहंदे ने साडे कन्नां विच अमृत दी वर्खा हो रही है। बहुत इदां दे भी हुंदे ने जिहड़े कहंदे ने गुरुद्वारे वालियां ने सवेरे बस स्पीकर ला लैणा हुंदा है होर इन्हां नूं कम कोई नहीं है। पर जिन्ना कुछ कहा जा रहा है कहया शब्द नामा नहीं गुरु अमरदास महाराज कहंदे कदे कहा भी किसी ने शब्द नूं मन्निया है होमे छड़े ना कोई कदे कहण नाल किसी ने होमे छड़ी है। जे आपां कह भी दईए कि भाई होमे नहीं करनी चाहीदी होमे नहीं रखनी चाहीदी आ जिन्ने झगड़े ने ना होमे दे निम्रता दे झगड़े नहीं ये होमे दे झगड़े ने सुपरमेसी दे झगड़े ने शायद मैं ही सब कुछ हाँ होमे किनू कहंदे ने इसे नू होमे कहंदे ने गुरु अमरदास पिता महाराज समझाउंदे ने गुर प्रसादी होमे छुटे ये भी छुटेगी ते उहदी किरपा नाल तो मेहंदी बन नहीं सकता मेहंदी वो तैनू खुद बनाएगा अपनी कृपा नाल तू मरण की कोशिश कर सकदा है पर मरेगा किवें उहदी कृपा नाल अपने जतन नाल नहीं। हुण अपनियां मन दियां स्कीमां नाल मन मारिया जा सकदा है कदे भी नहीं मरदा मन जीवन मुक्त सो होए जिन्हों ते जिन्हां ते गुरु की कृपा होवेगी उन्हां दी होमे छुट जाएगी वो दुनिया वाले पास्यों मर जाणगे। नानक जिसनों बख्शे तिस मिले तिस बिगड़ ना लागे कोई गुरु अमरदास पिता महाराज समझाउंदे ने वड्डे सतगुरां दा नाम दर्ज करके कि हे नानक जिसनों बख्शे तिस मिले जिन्हों परमात्मा आप बख्शिश करदा जिदे ते आ उस मालक परमात्मा दी मेहर हुंदी है असल विच उही उस परमात्मा नूं जाके मिल सकदा है। ये मुक्ति दा दर्जा उहनूं मिलेगा सारिआं नूं नहीं मिलना दावे करन दी की है जिन्ने मर्जी आपां करी जाइए
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਐ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਜੂਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੂਆ ਨਾ ਲੋੜੈ ਕੋਈ ਕੌਣ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਧੂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਉਜੈਨ ਸਾਧੂ ਲੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੜ ਪਵੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੜ ਪਵੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲੜ ਪਵੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲੜ ਪਵੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਲੱਕ ਦੀ ਬੱਧੀ ਧੋਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਦੇਹ ਤੇਰੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਦੋਂ ਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਧੂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਇਹ ਮਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਪੁਆੜੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਬਖੇੜਾ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮ ਜੇ ਕਰੇ ਦਾਰੂ ਭਾਉ ਲਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮ ਜੇ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ
परमात्मा दे प्यार दी दवाई खानी है। तुहानू पता है जिंदगी विच बंदा अगर किसी नू जवाब नहीं दिंदा तो वह कौन है? वो जिसनू प्यार करदा है। फिर चेता रखना, बच्चा प्यो नू जवाब दे सकदा है, धी मां नू जवाब दे सकदी है, भरा भरा नू जवाब दे सकदा है। इत्थों तक चोर पुलिस नू जवाब दे दिंदा, कहिंदा जाओ जो करना कर लो मेरा। एक आर्मी का मेजर रैंक का अफसर सी, वो श्रीलंका दे विचो जदों सेना गई सी उहदे विचो भी गया सी। वो अपने जदों आके तजर्बे दसदा सी, कहिंदा सी हैरानी हुंदी सी कि पूरा गर्दन तक असी टोआ पट के बंदा मिट्टी विच दब देंदे सी। कहिंदा सी जाओ जो मेरा करना है कर लो, मिट्टी पा देनी, सिर्फ धौण उहदी बाकी, सिर बाकी है। और जिवें खुंभ का उतला हिस्सा जिहा हुंदा है ना, कि तो पता नहीं किस मिट्टी के बने ने। पर शायद आप जी को पता हो कि जिस दे नाल तुहाडा प्यार होवे उहदी कई गल तुसी नहीं मोड़ सकते। इस करके भाई धर्म की दुनिया के विच सतगुरु ने अज तो नहीं आरंभ तो सानू एक गल समझाई है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। ये प्रेम की खेड है, खेडना चाहते हो? फिर गुरु कलगीधर पिता जी ने समझाया कि जिन प्रेम कियो तिन ही भरा पायो। क्योंकि प्यार दे विच जवाब नहीं हो सकता। आ जिहड़ी आसा की वार दी मैं पहला बेनती की है, सतगुरु ने किन्नी विस्थारत सानू इसो जी बख्शी है कि आशक एना आखी है जे लेखे वरते सोए। वह प्यार करन वाला थोड़ा होंदा जिहड़ा कापी पेन लैके तुरिया फिरदा, निक्की निक्की गल तो नुक्ताचीनी करनी, ये प्यार नहीं है। शक करना, तर्क करना, प्यार दे विच चीज़ां है ही नहीं। भाई भाई गुरदास ने उदाहरणां दित्तियां ने, लीला मजनू आशकी चौचक्की जाती सोहनी मही वाल नू नै तरदी राती। कहिंदे आओ मैं तुहानू दुनिया दे प्यार करन वालियां दियां कथा सुणावां। भाई गुरदास जी की बाणी है। जदों अज असी इस प्यार दी, इस सतगुरु जी की शिक्षा नूं अपने जीवन विच लैके आउणा है, सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने जे तू अपने मन नूं मारना चाहुंदा है, जे तू जिउंदिआं अपने जीवन नूं मुक्त करना चाहुंदा है, ये सुनते लिया है तू कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। पर ये गल्लां नाल थोड़ा होएगा, ये मुर्दा होए मुरीद ना गली होवना। इत्थे तां सबर सिदक शहीद भरम पौ खोवना, मोला गोला मुल खरीद कारे जोवना। कदे नौकर मुल खरीदिया कम ते लाया वेख्या तुसी? जिहड़ा दिहाड़ी ते लियाओगे ना वह कहेगा सरदारा मैं चलिया ही ना दवी दिहाड़ी तो, पर जिहड़ा मुल खरीदिया होएगा वह किथे जाएगा? असी तनखाह ते कम करदे हां ना, तो असी कहांगे ना दिओ जी तनखाह मैं चलिया, पर जिहड़ा मुल वेख चुकिया वह किथे जाएगा? इत्थे गोला मुल खरीद कारे जोवना, अगे की है ना ते सुपुख ना नींद। उहदा विचारे दा तो कुछ भी अपना नहीं हैगा। गुरु अमरदास पिता महाराज समझाउंदे ने कि भय का संजम जे करे, एक संजम कर, वह की है? अपने इष्ट नाल प्यार करन वाला। दूजा की करना है? दारू भाओ लए, एक भय
एक पाओ। पै की है अदब, पाओ की है प्यार। इसी आसा की वार विचो जे कित दृढ़ किया होंदा कि जिन मन भाओ तिना मन भाओ, यह आसा की वार का पाठ है, यह आसा की वार का कीर्तन है। जिन्हां दे अदब नहीं उन्हां कोल प्यार भी नहीं। उन्हें एक आदमी जोड़ा उतारन लई तैयार नहीं, पैर धोण लई तैयार नहीं, सिर ढकण लई तैयार नहीं, तुसीं की सोचते भी वह गुरु के कहण ते अमृत छक लवेगा? ना भाई, वह झूठ बोलना छड देगा, वह जुत्ती लाउण लई तैयार नहीं है, तो झूठ की छड़ना उन्हें, वह तो जुत्ती छड़न लई तैयार नहीं है। अपने अंदर अदब लैके आईए। इत्थे भय डर दे रूप विच नहीं है, सत्कार दे रूप विच है। सतगुरु पिता जी इन्हां बचनां दे विच समझाउंदे ने कि जदों इस तरीके नाल सतगुरु की बाणी नूं असीं मन्नांगे, भय का संजम जे करे दारू भाओ लए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिक भौजल नाम तरे। अन दिन हर रोज गुण गावे सुख सहजे। अपने अंदर अदब लैके आओ, अपने अंदर प्यार लैके आओ, फिर रोज उस मालक दे गुण गाओ। हुण जिहदे प्रति तुहाडे मन विच सत्कार होवे, जिहदे नाल तुहाडा प्यार होवे, उहदियां गल्लां ते रोज आपे ही हो जाणियां ने भाई। इत एक नफरत होंगी जिदे नाल होवे, असी कहने खबरदार जो दा मेरे को ना लिया, असी अपने मुँह तो भी नहीं लेंदे, सुनते भी नहीं। कोई उहदी गल भी शुरू करे तो असी कहने भाजी मैं उठ के जावां, फिर तुसी कोई होर गल कर लो। ये नफरत है। जिदे प्रति तुहाडे मन विच अदब है, जिदे प्रति तुहाडे मन विच प्यार है, ये बाणी तां रोज पढ़ी जानी है, ये कीर्तन तां रोज सुनिया जाना है। जे अंदर अदब भी होएगा, अंदर प्यार भी होएगा। और प्यार की पहली शर्त यह है अदब, क्योंकि जिदे प्रति साडे मन में इज्जत ही नहीं, सत्कार ही नहीं, असी उन्हें क्यों प्यार करांगे जी? असी उहदे नाल क्यों अपनी वरतों भाजी, क्यों मिलन वरतन शुरू करांगे, क्यों बनावांगे? असी अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भौजल नाम तरे। जदों उस प्रभु परमात्मा दे गुण गावांगे तो इस प्रभु परमात्मा की भगती दे नाल इस जहरीले इस संसार नूं तरिया जा सकता है, क्योंकि संसार विच बड़े संदेह ने, बड़ियां सारियां गल्लां साडे सामने आउंदियां ने, मन मन जांदा है। नानक गुरमुख पाईऐ जा को नदर करे। गुरु अमरदास महाराज फिर वड्डे सतगुरां दा नाम दर्ज करके कहंदे ने इह तां भाई कोई गुरमुख ही पाएगा, बिना गुरमुख बनिया, बिना गुरु की कृपा दे अधिकारी बनिया। अगर ये गल सानू समझ आ जाए ना कि वह परमात्मा जिहड़ा है उन्हें यह सारी बनावट बनाई है, यह कुदरत किने बनाई है? परमात्मा ने। सानू जीवां नू किन्ने बनाया है? परमात्मा ने। पर फिर उन्हों अपने पीर पैगंबर औलिए नबी अवतार गुरु क्यों घलने पै? क्योंकि चाहुंदा सी कि कुछ जीवां दे उत्ते मैं अपनी बख्शिश करा, कुछ जीव मेरी बख्शिश दे पात्र बन। इसे करके उन्हें साजिया आप है ते निवाजन वास्ते उन्हें नाल गुरु भेज दिता है। और तुसी वेखो ना कि यूनिवर्सिटी है वह अपना ला बनाउंदी है, वह अपने निजम उपनिजम बनाउंदी है, पर फिर उहदे विच वह प्रोफेसर भी लैक्चरार भी बनाउंदी है, उहदे विच
प्रिंसीपल भी लाउंदी उहदे विचों वीसी भी लाउंदी है उहनां दे राही फिर उत्थे आ के पढ़न वालियां दा उह ग्रेड भी नियत करदी है उहनां दी दर्जा बदर्जा शनाख्त भी करदी है ये सब कुछ आप ही करदा है पढ़ाउण वाला भी वह आप है फिर सानू नंबर देण वाला भी वह आप है पर साढ़े नंबर देने तो पहला साढ़े पेपर चेक करने वाला भी वो आप है सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहते ने यह तो गुरमुख बन के क्योंकि गुरु अमरदास जी का आप गुरपुरब मनाया है उन्हों का अपना जीवन उन्होंने भी साल की जिंदगी का एक बहुत वड्डा सच सी कि गुरु अंगद साहब मिले ते वह बख्शिश के पात्र बने नहीं तो 20 साल बीत गए सन जिहड़ा काम 20 साल विच नहीं होया वह करामात 12 साल बाद वरत गई कि वह एक सधारण एक भाई अमरदास जिहड़ा सी जां भाई अमरू जिहड़ा सी वह गुरु अमरदास के रूप में प्रगट हो गया सतगुरु पौड़ी दे विच समझाउंदे ने दूजा भाउ रचायोन त्रै गुण वरतारा यह सब कुछ परमात्मा ने आप ही कीता है माया दे तीन गुण पैदा किए ने ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा इन्हां माया दे तिना रूपां तो यह तीन अवतार भी पैदा किए ने उस पर संसार दे लोको यह चेता रखना वो वेख है उन्हें नजर ना आवे बहुता ये वडान ये भी परमात्मा के हुक्म तो बारे नहीं पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझे बिचारा जेडे विद्वान लोग ने वो ज्योतिषी बन बन के गल्लां ते बुझदे ने पर रब दे इस वरतारे नूं नहीं समझदे भी करन कराउण वाला तो कोई होर है उत्थे हाथ दियां रेखा की करनगियां उत्थे मत्थे दे लिखे लेख की करनगे लिखण वाला भी वह है इन्हां नूं बदलण वाला भी वह है धर्म इस गल विच विश्वास करदा है कि यह हाथ दियां रेखा बदल जांदियां ने पंडित दा ज्योतिषी ही कहिंदा भी नहीं जो लिखिया वह यह है ठीक है जो लिखिया वह तो यही है पर जे लिखिया उहने बदल दिता फिर तू की करेंगा बई वाहिगुरु जेड़ा है ना वो सब कुछ करन कारण दे समर्थ है इस करके दास रोज बेनती करता है कोई साइंस कोई विज्ञान इनू चैलेंज नहीं कर सकता धर्म अज दुनिया उत्थी खड़ी है धर्म दे विच घटनावां होर तरीके नाल घटदियां ने इत्थे करन कराउण वाली शक्ति वाहिगुरु परमात्मा आप है हुण आप जी दस दिओ कि एक थम दे विचों कोई पैदा हो सकदा है हाँ हो सकदा है